हेलो एवरीवन, आज का डेट है 11 जून, और आज फिर से एक बार निफ्टी में एक बड़ा प्राइस एक्शन का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देखने को मिला, जिसको लेके अगर जिसने भी ट्रेड किया होगा मेरे स्टूडेंट्स में, तो प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वो प्राइस एक्शन का क्या था एग्जाम्पल। मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ही आपको बचा सकता है शेयर मार्केट में, और प्राइस एक्शन में आपको सिखा सकता हूँ काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। सो आज देखेंगे कि प्राइस एक्शन में कैसे मूवमेंट होता है और कैसे हमें वो चेक करना है, डिटेक्ट करना है, और कैसे उसको लेके ट्रेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज का अभी जो निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक प्राइस एक्शन का अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले। सो मॉर्निंग से एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, मैं थोड़ा 12 बजे के बाद ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये हो चुका था ऑलरेडी, तो ट्रेड मैं नहीं कर पाया। सो ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये मॉर्निंग यहाँ से सेशन ओपन होता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और ये एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। पिछली बार भी एक दो तीन दिन पहले 8 जून को शायद से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसी तरह से बना था, और उसी तरह से उस दिन भी फॉल डिटेक्ट हुआ था। तो उस दिन मैंने लाइव ट्रेड भी लिया था, और प्रीवियस वीडियो आप देख भी सकते हो, ऊपर मैंने लिंक में भी डाला है, तो वहाँ से भी आप लोग को दे सकते। मुझे एक कमेंट आया था कि ये थोड़ी ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अरे भाई, हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसेप्चुअल है, तो हमें वो समझ लेना है कि इंक्लाइन ट्रायंगल है, डिक्लाइन ट्रायंगल है, या सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप है। तो यहाँ पे कैसे होता है कि इसका ऐसा रहता है कि ये देखो, मैंने बताया था कि ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको लेगा रेजिस्टेंस, जिसको लेगा सपोर्ट, इसी के बीच में ट्रेड करेगा। लेकिन ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी तगड़ा ब्रेकआउट होगा, और कुछ एक एक दो पैरामीटर्स है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने वाला है, वो मैं बाद में डिटेल में आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे वो डिटेक्ट हो चुका था कि नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे वो ब्रेकआउट हुआ, तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। तो ये ब्रेकआउट अगर हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेड लेते थे, फ्यूचर में लेते थे या ऑप्शंस में लेते, तो चलिए देखते, अगर फ्यूचर में लेते थे तो ये कैंडल के बाद भी अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस बनता ही है लॉजिकली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक लेवल पर ये स्टॉप लॉस बन जाएगा 20 पॉइंट का, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर गेनिंग की बात करें, तो आपने गेन किया 60, एक्यूरेटली 1:3 आपको वहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। सो 1:3 हम लोगों का टारगेट एक्चुअली 1:2 रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1:3 आपको गेन हो रहा है। सो ये किस वजह से हुआ? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की वजह से। मैं बार बार बताता हूँ कि ये सीखो, ये देखो, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए लाइक, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आप लोग का रिस्पांस क्या है। तब तक मुझे नहीं समझेगा कि आप लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसको लेके अगर आप ट्रेड करेंगे, तो ये काफ़ी एक रेगुलेटेड ट्रेडिंग है, ये काफ़ी एक रेगुलेटेड ट्रेडिंग बन जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होता है इसमें करना क्या है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो हम लोग का पहले से फिक्स है कि मिनिमम मैंने बोला है 1:2 तो लेना ही है। तो कैसे लेना है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो में आपके लिए डेफिनेटली डालूंगा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लेते। जिस दिन मैं लाइव ट्रेड लूंगा, नेक्स्ट लाइव ट्रेड में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर जरूर रिकॉर्ड करके बताने की कोशिश करूंगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद 1:3 तो मिल ही गया। अगर और आप लोग वेट करते थे, कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस ट्रेल करते थे, तो ये हो गया 1:4.5, और ये लास्ट में लो अगर यहाँ पे अचीव किया तो ऑलमोस्ट 1:4 to 4.5 के आसपास आप लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा था दोस्तों। ये काफ़ी तगड़ा सिग्नल था। यहाँ पे आप लोग जिसने भी डिटेक्ट किया था, जिसने भी इससे लेके ट्रेड लिया था, तो वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में वो रहा होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये जो लाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन अगर मैं यहाँ पर आगे एक्सटेंड करूँ, ये आप लोगों को मैं बताते आ रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे का सपोर्ट ब्रेक हुआ है। तो लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था क्या? नहीं, तो वो उसने प्रूव किया। वापस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्ट करने के बाद वापस रिट्रेस हुआ, तो क्या आपके मैक्सिमम चांसेस है कि दिन क्लोज होने में अभी और 1.5 घंटा बाकी है, तो ये इसे रेजिस्ट करते करते ही नीचे ट्रेंड करेगा। सो कुछ इसी तरह से डाउन ट्रेंड भी वर्क करता है। इसके लिए डिटेल में हम लोग आगे कुछ वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। तो ये सीखिए दोस्तों, जो वीडियोज़ मैंने डाले वो सीखिए, उनके ऊपर से आप लोग आराम से सीख सकते हैं, और मुझे बता सकते, कुछ भी आप पूछ सकते, कभी भी कमेंट
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका अगर कुछ क्वेरी है तो आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हैं। आपको अगर पैसा कमाना है, लॉस से आपको छुटकारा चाहिए, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा और मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। और ये सब फ्री में ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप कभी भी वीडियोज़ कितने भी बार देख सकते हैं, कुछ भी मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।